फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी लोगों का शालू बेस किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कच्चे केले के रायते की रेसिपी। ये रायता इतना स्वादिष्ट होता है कि इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, रोटी पराठे पूरी के साथ भी खा सकते हैं, या फिर लंच और डिनर में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं ये टेस्टी और हेल्दी रायता बनाने के प्रोसेस में। कच्चे केले का रायता बनाने के लिए सबसे पहले एक केले को अच्छी तरह से धुलकर उसे हम इस तरह से चाकू की हेल्प से छील लेंगे। अब इसे एक ग्रेटर की हेल्प से इसे ग्रेट कर लेंगे। हमने इसे ग्रेट किया है, आप चाहें तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप करके भी यूज कर सकते हैं। केला ग्रेट हो गया, अब इसे हम फटाफट से चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। इसे फ्राई करने के लिए पैन में हम 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। ऑयल के गर्म होते ही इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा हल्का सा चटक जाए तब इसमें हम 1 बारीक कटा हुआ मिर्ची डाल देंगे। ग्रीन चिली को आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें फटाफट से ग्रेट किया हुआ कच्चे केले को डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से पकने देंगे। केला का रायता बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करके 5 मिनट ढककर इसे पकने देंगे। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं केला पूरी तरह से पक गया और हल्का सा क्रिस्पी भी हो गया है। रायते में केले को इस तरह से क्रिस्पी करके डालने से रायते का स्वाद बिल्कुल डबल हो जाता है और वो खाने में इतना यूनिक होता है कि आप इसे ऐसे ही चट कर जाएंगे। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब इधर एक बड़े बाउल में 1 से 1.5 कप दही को हैंड व्हिस्कर की हेल्प से इस तरह से फेंट लेंगे। आप सभी लोगों को पता है गर्मियों के सीजन में दही खाना कितना हमारे लिए हेल्दी होता है, तो आप दही को वैसे ही खाइए या फिर उसका रायता बनाकर खाइए। बस दिन भर में एक बार आप दही को जरूर अपने लंच या डिनर के साथ इंक्लूड कीजिए। अब फेटी हुई दही में ठंडा किया हुआ कच्चे केले का मिक्सचर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह दही के साथ मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं सभी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें हम स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस डालते समय कैमरा ऑफ हो गया था इसलिए हम इसे दिखा नहीं सके, तो हम आपको बता देते हैं। हमने इसमें डाला है नमक स्वाद के अनुसार, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच ही डाला है भुना जीरा पाउडर। अब इन सभी चीजों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो देखा आपने ये टेस्टी और हेल्दी यूनिक तरीके से कच्चे केले का रायता बनाना कितना ज्यादा आसान है। इसे आप भी बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। रायते में सभी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब इसके ऊपर से हम थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोरिएंडर लीफ डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसी तरह की हेल्दी और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे हमारी अगली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।